हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन गुप्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडी की हड्डी बढ़ रही है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो मित्रों, उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ दो प्रकार से की जाती है, एक है ऑपरेशन के द्वारा और एक है बिना ऑपरेशन के। पहले हम बात करेंगे कि बिना ऑपरेशन से उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो बिना ऑपरेशन की ट्रीटमेंट करने के लिए काफी उपाय है जो हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला और जरूरी उपाय है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एडी की हड्डी बढ़ने के कारण पीछे काफी सूजन आ जाती है और वो सूजन के कारण आजू बाजू के सारे मसल्स काफी स्टिफ हो जाते हैं। जो ये मुख्य मसल है जिसको टेंडो अकिलिस कहा जाता है, जो हमारे काफ से निकल के पूरा नीचे तक अटैच होता है, जो आप एडी में पीछे की तरफ फील कर सकते हो, वो मसल्स काफी स्टिफ हो जाता है। तो सबसे पहली और जरूरी ट्रीटमेंट है एंकल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। अगर आप सुबह उठ रहे हो तो पाँव जमीन पे डायरेक्टली रखने से पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने पे सुबह जो उठने के बाद आपको दर्द होता है वो काफी कम हो जाता है। अगर आप ऑफिस में, घर में या फिर गाड़ी में लंबे टाइम तक बैठे हो और बैठने के बाद जब आप खड़े होते हो तो आपको काफी दर्द होता है एडी में, तो जब आप बैठे हो तो बैठे बैठे आपको एंकल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने पे वहां पे सूजन इकट्ठी नहीं होती, ब्लड इकट्ठा नहीं होता और मसल्स की स्टिफनेस नहीं होती, और फिर जब आप खड़े होते हो तो आपको दर्द उतना महसूस नहीं होता। तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके अलावा आप अपने नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जा सकते हो या फिर जिम ज्वाइन करके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रेगुलरली कर सकते हो। हैमस्ट्रिंग और काफ मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने पे भी ये एंकल के मसल की सूजन और स्ट्रेचिंग स्टिफनेस कम होती है। तो रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे कि योगा, सूर्य नमस्कार या फिर जिम में जाके आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जा सकते हो। अगर आपको काफी सूजन रहती है और दवाई लेने के बाद भी सूजन कम नहीं होती तो दिन में 2 से 3 बार वहां पे आपको 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ का शिकाई करना चाहिए, आइस पैक लगाना चाहिए, या फिर आप एक बकेट लेके वहां पे ठंडा पानी लेके वहां पे पांव डुबा सकते हो। आइसिंग करने से, बर्फ लगाने से जो खून की नलियां है वो सिकुड़ जाती है और सूजन धीरे 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 कम होती है। तो पहले नंबर पर हमने आपको बताया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दूसरे नंबर पे है आइस पैक, तीसरे नंबर की ट्रीटमेंट है गुड क्वालिटी फुटवेयर, यानी कि अच्छी क्वालिटी के शूज या स्लीपर पहनने से आपको वहां पे जर कम लगता है, उसके सोल्स सॉफ्ट होने पे शॉक एब्जॉर्प्शन मिलता है और झटके कम लगते हैं। जब आप चलते हो, नंगे पांव चलते हो या फिर कड़क चप्पल पहन के चलते हो तो वहां पे काफी झटके लगते हैं और हड्डी के ऊपर काफी सूजन आती है और हड्डी बढ़ने लगती है। तो ऐसे केस में आपको अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट शूज या फिर सॉफ्ट क्वालिटी के सोल वाले चप्पल पहनने चाहिए, जिससे वहां पे जर्क्स कम लगते हैं और चलने के टाइम पे दर्द काफी कम रहता है। तो तीसरे नंबर का कारण हमने आपको बताया अच्छे क्वालिटी के शूज। चौथे नंबर की ट्रीटमेंट है मशीन पे शिकाई करना। जैसे हमने बताया फिजियोथेरापी या जिम में जाके आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, वैसे ही फिजियोथेरापी में जाके आप मशीन जैसे कि अल्ट्रासोनिक, लेजर, IFT वगैरह ट्रीटमेंट करके वहां की सूजन कम कर सकते हो और धीरे 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 सूजन कम होने पर आपको दर्द कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 ट्रीटमेंट हमने आपको बताई जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मशीन पे शिकाई करना, बर्फ का शेक करना, अच्छी क्वालिटी के शूज पहनना, ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ज्यादातर केस में हम ऐसे मरीज को एक्सरे करवाते हैं, जरूरत पड़ने पर MRI करवाते हैं। एक्सरे और MRI करने पर हमको पता चलता है कि हड्डी कितनी बड़ी हुई है। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर दर्द ठीक नहीं होता है तो ऐसे केस में हमको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मित्रों, ये ऑपरेशन में क्या किया जाता है? तो ऑपरेशन में मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके पांव का भाग सुन करके पीछे के साइड पे छोटा सा कट लगा के बढ़ी हुई हड्डी को निकाला जाता है। कभी कभार जब हम हड्डी निकालते हैं तो साथ साथ में जो पीछे का टेंडन होता है, अकिलिस टेंडन, उसको भी रिपेयर करना पड़ सकता है, तो रिपेयर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन है और मरीज को काफी आराम भी मिलता है। 2 से 3 सप्ताह के लिए मरीज को रेस्ट की आवश्यकता मिलती है और फिर फिजियोथेरेपी करने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो मित्रों, जैसे हमने बताया बड़ी हुई हड्डी की ट्रीटमेंट 2 तरह से की जाती है।
एक है बिना ऑपरेशन से, जिसमें 4 से 5 ऑप्शन हमने आपको दिए, दूसरे नंबर पे है ऑपरेशन। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।